हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस मैच में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। तो मैच काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट आपको 2-3 मेंबर्स में करना है। और साथ ही साथ बता दूँ कि इन्वेस्टमेंट आपको किस ऐप पर करना चाहिए, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बता दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करना है माय रेवन सर्कल ऐप पर। 2-3 मेंबर्स के लिए बेस्ट ऐप है दोस्तों, यहाँ पर कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, लो कॉम्पिटिशन होने की वजह से हम इजिली विन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आज आपको सिर्फ ₹25 में iPhone 14 विन करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको iPhone 14 विन करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ₹25 में iPhone 14 ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील होने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे SUV कार जीतने का डेली मौका मिलता है, और यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है दोस्तों आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है मैं ₹25 में iPhone 14 विन करने के लिए कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ, तो आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों माय रेवन सर्कल ऐप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, साथ ही साथ आप जाओगे फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने माय रेवन सर्कल ऐप की लिंक ओपन होगी। लिंक पे क्लिक कीजिए, माय रेवन सर्कल ऐप इंस्टॉल कीजिए। दोस्तों मेरा इन्वेस्टमेंट माय रेवन सर्कल ऐप पे दोस्तों होने वाला है। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल की बात अगर करेंगे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल के लिंक कॉमेंट सेक्शन में दिए, आप जाएंगे फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने माय रेवन सर्कल ऐप की लिंक ओपन होगी। उसके नीचे दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। अब बेसिकली दोस्तों अगर बात करेंगे इस मैच में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैच काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट आपको लो करना चाहिए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से मीडियम भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा इन्वेस्टमेंट 2-3 मेंबर्स में रहेगा, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट इस मैच में मीडियम रहने वाला है। अब दोस्तों जो भी हम टीम बनाएंगे इस मैच में, वो टीम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे टीम बनाने वाले हैं। वेन्यू की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिलेड ओवल का पिच है, और इंडिया ने इस पिच पे पहले भी मैच खेला है, और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। टाइमिंग की बात करेंगे, 1:30 पे मैच स्टार्ट होगा दोस्तों, आपको 1 बजे ऑनलाइन रहना होगा। अब दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पिच पे मैच खेला गया था इंडिया ने मैच खेला गया, तो आप देख सकते हैं ये तो मैच हुआ था DLS मेथड के अनुसार। मेरे हिसाब से मैच मतलब इंडिया ने ही विन किया था, लेकिन DLS मेथड के अनुसार थोड़ा टारगेट कम हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए इस पिच पे इंडिया का 184 का टारगेट है, मतलब स्कोर है 6 विकेट के नुकसान पे। और दोस्तों यहाँ पे जो हमें बताया गया है, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ तो चलेगा, इन्फॉर्मेशन मैं आपको टॉप क्लास की प्रोवाइड करूंगा। ये जो पिच है बैटिंग पिच है, और जो भी टीम टॉस जीतेंगे वो पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में दोस्तों हमें यह देखना होगा कि सभी मैचेस में जो स्कोर बना है वो कितना स्कोर बना है। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर अगर देखेंगे तो ये मैच हम नहीं पकड़ लेते, क्योंकि ये मैच उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हम सिर्फ उन्हीं टीमों का मैच पकड़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, जैसे कि इंडिया वर्सेज बांग्लादेश, आप देख सकते हैं यहाँ पे 180+ का स्कोर था। यहाँ पे देखा जाए न्यूजीलैंड का स्कोर की बात करेंगे तो 185 का था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो 170 का हम यहाँ पे स्कोर पकड़ लेते। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेदरलैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका को तो हराया था नेदरलैंड ने, तो हम यहाँ पे 160 का पकड़ लेते। और यहाँ पे देखा जाए बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को काफी ज्यादा मतलब बुरी तरह से हराया था, क्योंकि 20 ओवर में सिर्फ 127 रन बनाए थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 130 का पकड़ लेते। तो एवरेज जो स्कोर है इस पिच का, मुझे लगता है कि 170 से लेकर 180 के बीच में एवरेज स्कोर होने वाला है। और अगर हम बात करेंगे तो पहले फर्स्ट जो हाफ होगा, मतलब पहले 6 ओवर का पावर प्ले होगा, उसमें पेसर को सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पिच थोड़ा धीमा होगी तो फिर स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन स्पिनर को उतना ज़्यादा सपोर्ट इस पिच पे नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बैटिंग फर्स्ट टीम करने वाली टीम ने 4 मैचेस विन किए, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 2 मैचेस विन किए। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए लास्ट के 6 मैचेस में जिस टीम ने लास्ट के 6 मैचेस में आप देख सकते हैं कि पेसर को कितना सपोर्ट मिला है, 56 विकेट पेसर को मिले और सिर्फ 20 विकेट स्पिनर को मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट स्पिनर को नहीं मिलता है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप रविचंद्रन अश्विन को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि इस पिच पर स्पिनर को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना ज़्यादा पेसर को सपोर्ट मिलता है। वही अगर बात करेंगे ओवरऑल मैचेस की, तो 64 मैचेस में से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ही ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस विन किए हैं। और हाई स्कोर की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड का स्कोर है यहाँ पे 185 पे 6, लेकिन इंडिया के स्कोर की बात करेंगे तो इंडिया का यहाँ पे स्कोर है 184 पे यहाँ पे 6। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस पिच पे खेल चुकी है, और इंडिया को पता है कि किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, किस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए। और लोएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे का लोएस्ट स्कोर है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी टीम का बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से फ्लॉप होता भी है तो भी आपको जो स्कोर देखने को मिलेगा वो आपको 150 से या फिर 140 तक 10 विकेट के नुकसान पे आपको लोएस्ट स्कोर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो आपको 170 के ऊपर ही हाईएस्ट स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है 6 विकेट यहाँ पे जा सकते हैं, फिर 7 या फिर 8 विकेट जाएंगे, और उतने ज़्यादा विकेट नहीं जाएगी क्योंकि बैटिंग पिच है। और देखिए स्कोर बिटवीन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बनता है 170 से लेकर 190 के बीच में स्कोर बनता है। टीम न्यूज़ की बात करेंगे तो मुझे लगता है इंडिया की टीम
सॉरी गाइस, इंडिया की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं दिनेश कार्तिक को खिलाया जा सकता है ऋषभ पंत की जगह पे। लास्ट मैच में ऋषभ पंत आउट हुए थे, लेकिन गलत शॉट खेल के भी हम नहीं कहेंगे कि अच्छा शॉट खेला था, लेकिन कैच आउट हुए थे। अगर आपने मैच देखा होगा तो हो सकता है कि इंडिया आज जो है दिनेश कार्तिक को मौका दे। वही अगर इंग्लैंड की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। देखिए डेविड मलान की अगर बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ से, तो डेविड मलान थोड़ा बहुत इंजर्ड हुए हैं, तो डेविड मलान अगर नहीं खेलते तो उनके जगह पे फिलिप सॉल्ट खेल सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मार्कुड भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, तो मार्कुड के बारे में भी एक न्यूज़ निकल के आई है कि ये अगर मार्कुड अगर इस मैच में नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे डेविड विले खेल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों ही प्लेयर फिट हो गए और दोनों ही प्लेयर इस मैच में प्ले कर सकते हैं। ये हमें टॉस के पहले 10 या 15 मिनट पे पता चलेगा कि दोनों खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 70% चांसेस है कि डेविड मलान मार्कुड दोनों ही इस मैच में प्ले करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे में बात करेंगे बैट्समैन वर्सेस बॉलर की, तो आपको बता दूँ कि इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह है, भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद शमी है, रविचंद्रन अश्विन, ये चार बॉलर ऐसे जो पूरे चार चार ओवर कंप्लीट करके 16 ओवर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल दो ओवर कंप्लीट करके 20 ओवर कंप्लीट कर देंगे। बात करेंगे दोस्तों इंग्लैंड की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कुड है, आदिल रशीद है, क्रिस वोक है, सैम करन है, ये पूरे चार चार ओवर कंप्लीट करके 16 ओवर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो बेन स्टोक 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, लिविंगस्टोन भी यहाँ पे 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से इनके 20 ओवर कंप्लीट हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इंग्लैंड का भी आप वीडियो पॉज करके दोस्तों स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। प्लेयर सिलेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन है, जॉर्ज बटलर ओपन करेंगे और यहाँ पे ऋषभ पंत 6 नंबर पे आएंगे, या फिर दिनेश कार्तिक भी खेलेंगे तो भी हम यहाँ पे दिनेश कार्तिक को पिक नहीं करेंगे। हमारे पास एक ही बेस्ट ऑप्शन होगा जो कि जॉर्ज बटलर। हम दोस्तों जॉर्ज बटलर को ही पिक करने वाले हैं। ऋषभ पंत खेलेंगे या फिर दिनेश कार्तिक खेलेंगे तो दोनों में से किसी को भी हम पिक नहीं करने वाले। बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी सोचने समझने में कि किस प्लेयर को लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको इजीली तरीके से समझाऊंगा कि किस प्लेयर को क्यों लेना चाहिए। सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे 4th नंबर पे आएंगे, विराट कोहली 3rd नंबर पे आएंगे, एलेक्स हेल ओपन करेंगे, के एल राहुल ओपन करेंगे, उसके बाद रोहित शर्मा ओपन करेंगे, मोइन अली 6 नंबर पे आ सकते हैं, डेविड मलान की बात करेंगे 3rd नंबर पे आएंगे, हैरी ब्रुक की बात करेंगे दोस्तों 5th नंबर पे आएंगे। अब मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली को लेना चाहिए, एलेक्स हेल को लेना चाहिए। अब एलेक्स हेल को हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखा लास्ट के दोनों ही मैचेस में एलेक्स हेल ने अच्छी पारी खेली, हमें एलेक्स हेल को ही लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पे के राहुल है, रोहित शर्मा, दोनों में से किसको लेना चाहिए? मुझे लगता है दोस्तों कि रोहित शर्मा हिट एंड मिस टाइप वाले प्लेयर है। मैं आपको इनका रिकॉर्ड ही दिखा देता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड मायने नहीं रखता है, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर है अगर चलेंगे तो 50 प्लस की पारी खेलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो यहाँ पे 20 रन के अंदर आउट होंगे। और देखा जाए तो रोहित शर्मा ने लास्ट के जो 5 मैचेस खेले, 5 मैचेस में से कम यहाँ पे देखा जाए तो 4 मैचेस में इन्होंने 20 प्लस की पारी बनाई नहीं है, सिर्फ एक मैच में 53 रन की पारी खेली। वही अगर बात करेंगे के राहुल की, तो दोनों ही मैचेस में आप पहले 3 मैचेस में फ्लॉप हुए, लेकिन फिर दोनों ही मैचेस में 50 प्लस की पारी खेली। तो मेरा जो ट्रस्ट होगा दोस्तों वो यहाँ पे के राहुल पे होने वाला है, रोहित शर्मा को मैं ड्रॉप करूंगा। और यहाँ पे देखा जाए तो मोइन अली है, डेविड मलान है, और यहाँ पे हैरी ब्रुक के अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे स्मॉल लीग के लिए, तो इनको तो हम पिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 4 ही बैट्समैन को लेना है, 5वें बैट्समैन को हमें पिक नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि अगर 5वें बैट्समैन को पिक करेंगे तो हमें ऑलराउंडर सेक्शन की किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा, और मैं कहूँगा कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन से तीनों ही ऑलराउंडर को पिक करना चाहिए। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, हार्दिक पांड्या 5th नंबर पे आएंगे, सैम करन 8 नंबर पे आएंगे, बेन स्टोक 4th नंबर पे आएंगे, लिविंगस्टोन 7 नंबर पे आएंगे, अक्षर पटेल की बात करेंगे 7 नंबर पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या, सैम करन, बेन स्टोक इन तीनों में से किसी को भी ड्रॉप करना हमारे लिए रिस्की होगा। हार्दिक पांड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देंगे, सैम करन बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देंगे, सॉरी गाइस, सैम करन सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट देंगे, क्योंकि लास्ट के कुछ मैचेस की अगर बात करेंगे तो सैम करन ने कभी भी, मतलब लास्ट के चारों ही मैचेस में सैम करन ने 10 प्लस का भी स्कोर नहीं बनाया, तो मतलब बैटिंग से पॉइंट नहीं देंगे, बेसिकली ये बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे। बेन स्टोक की बात करेंगे, ये बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देंगे, तो तीनों में से किसी को भी हम ड्रॉप नहीं करेंगे, तीनों ही आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए। लिविंगस्टोन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका जो स्कोर है 29 हाईएस्ट स्कोर है, और यहाँ पे देखा जाए तो इनको 3 विकेट मिले हैं, इसलिए इनका सिलेक्शन बड़ा था, लेकिन इनको हम ड्रॉप करेंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और अक्षर पटेल को भी हम ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैच काफी ज्यादा रिस्की होगा, इसलिए हमें इस टीम में रिस्क नहीं लेना चाहिए। बॉलर्स की बात करेंगे, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी दोनों अच्छे फॉर्म में, भुवनेश्वर कुमार अप एंड डाउन चल रहा है इनका, रविचंद्रन अश्विन की बात करेंगे 3 विकेट, लेकिन उससे पहले विकेट नहीं, फिर यहाँ पे 1 विकेट, फिर 2 विकेट, तो रविचंद्रन अश्विन को हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि स्पिनर को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। साथ ही साथ अक्षर पटेल को भी दोस्तों हम ड्रॉप करने वाले। यहाँ पे अगर बात करेंगे इंग्लैंड की तरफ से, तो मार्कुड है, क्रिस वोक है, यहाँ पे आदिल रशीद, तो मार्कुड वुड को हम ट्राई करेंगे, लेकिन क्रिस वोक, आदिल रशीद को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, इस मैच में मैंने कुछ रिस्क नहीं लिया। देखिए यहाँ पे अर्शदीप सिंह को, मोहम्मद शमी दोनों को लेना चाहिए, और मार्कुड को लेना चाहिए। अब देखिए इंडिया की टीम बैटिंग करेगी तो टीम में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, और इंग्लैंड की टीम बैटिंग करेगी तो भी टीम में चेंजेस होगा, तो जो फाइनल टीम होगी दोस्तों, फाइनल टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको जो टीम अभी दिखा रहा हूँ वही सेम टीम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब दोस्तों अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं
ओपनिंग बॉलर्स की बात करेंगे तो मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों में से कोई ओपनिंग करेगा। अर्शदीप सिंह तो ओपनिंग बॉलिंग करेगी, अर्शदीप सिंह डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, तो अर्शदीप सिंह हमारी टीम में होंगे, मोहम्मद शामी हमारी टीम में होंगे, तो दोनों ही जो है ओपनिंग एंड डेथ बॉलर जो होंगे वो हमारी टीम में होंगे। तो मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार ओपनिंग में बॉलिंग करेंगे तो शायद एक हाथ विकेट मिल सकता है, क्योंकि पेसर को सपोर्ट मिलता है पहले के 6 ओवर में, और मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार मेरे हिसाब से पहला ओवर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे लगता है कि शायद तीसरा ओवर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भुवनेश्वर कुमार, लेकिन नहीं, भुवनेश्वर कुमार को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि विकेट तो पहले मिलता है या फिर कभी कभी इनकी पिटाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप करके, कहीं अगर आप चाहते हैं तो मोहम्मद शामी की जगह पर भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लैंड की अगर बात करेंगे, बेन स्टोक है, क्रिस वोक है, क्रिस वोक को हम टीम में ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों मार्गुड को टीम में ट्राई किया, सैम करन को ट्राई किया, क्रिस वोक को यहाँ पे भी हमने ट्राई नहीं किया, जो कि ओपनिंग एंड डेथ बॉलर्स होने वाले। देखिए दोस्तों ये 10 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गया, 11 प्लेयर पर आपको रिस्क लेना होगा, लेकिन हम कुछ रिस्क नहीं लेने वाले अभी फिलहाल के लिए। ग्रैंडली के प्लेयर्स की बात करेंगे दोस्तों, ग्रैंडली के प्लेयर्स का मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे ग्रैंडली के 6 टीम्स बनाने वाले, उस वीडियो में जो वीडियो जल्दी आएगा, यहाँ पे मैं आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ, साथ ही साथ किस प्लेयर को आपको क्यों ट्राई करना चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए, और टीम में आपको कौन सा प्लेयर कितने पॉइंट दे सकता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, जो कि मेगा लीग का वीडियो आएगा, ग्रैंड लीग का वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट होगा अगर आप मेगा लीग प्ले कर रहे हैं। दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे स्मॉल लीग के लिए, तो आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, जॉर्ज बटलर, हार्दिक पांड्या, सैम करन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया दोस्तों, यहाँ पे भी हमने रिस्क नहीं लिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जिस प्लेयर को लिया उसी प्लेयर को हमने लिया है, यहाँ पे भी हमने रिस्क नहीं लिया, यहाँ पे भी रिस्क नहीं लिया। अब दोस्तों आप कहोगे कि भाई आपने रिस्क नहीं लिया तो टीम चलेगी कैसी, टीम इस तरह से चलेगी कि हमने यहाँ पे रिस्क लिया है हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना के, आप कहेंगे कि भाई बैटिंग पिच है यार, बैटिंग पिच में सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाओ, लेकिन देखिए सूर्य कुमार यादव अगर 25 या फिर सूर्य कुमार यादव अगर 40 रन बना देते और आपको तो पता है कि ये 4 लगाएंगे 6 लगाएंगे उसकी भी पॉइंट मिलेगी, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या जिनका बैटिंग के अलावा बैटिंग उतना अच्छा नहीं चल रहा है अभी, मतलब अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अगर 25 रन बना दिया प्लस 2 विकेट अगर निकाल दिया तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इसलिए हार्दिक पांड्या को कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात करेंगे तो मैं सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाने वाला हूं। दोस्तों ये हमारी टीम का प्रयोग होगा, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल के लिंक दोस्तों कमेंट सेक्शन में दिए, आप जाएंगे फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने माइलन सर्कल ऐप की लिंक ओपन होगी, उसके नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए और सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ माइलन सर्कल जो है दोस्तों यहाँ पे आपको आईफोन 14 विन करने का मौका मिलेगा 25 रुपये में, एसयूवी कार जीतने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। तो माइलन सर्कल ऐप की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए, साथ ही साथ फर्स्ट कमेंट में दिए, तो माइलन सर्कल को भी आपको इंस्टॉल करना चाहिए और प्ले करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऐप है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो बेल के आइकन इस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।